हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मस्तान ऑटो टेक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कार के इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के बारे में, जिसको हम शॉर्ट में ECM बोलते हैं। यह है गाड़ी का ECM। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार में हर चीज़ के लिए सेंसर यूज होते हैं, क्रैंक सेंसर, मैप सेंसर, स्पीडोमीटर सेंसर, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग सेंसर, केम सेंसर, टेम्परेचर सेंसर। वो सेंसर सिग्नल देते हैं, लेकिन सिग्नल देते किसे हैं? गाड़ी में लगे हुए सभी सेंसर सिग्नल देते हैं इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को, ECM को। ये ECM कुछ इस तरह से नजर आता है। इसके स्क्रू मैंने खोले हुए हैं। ये अंदर से कुछ इस तरह का नजर आता है। इसमें छोटी छोटी IC, डाइवुड, रेजिस्टेंस, PF, ये सब लगे हुए हैं, जो कि अलग अलग वजह से इस्तेमाल किए जाते हैं, अलग अलग चीज़ों को सप्लाई देते हैं। तो जो सेंसर हमारे गाड़ी में लगे हुए होते हैं और वो सिग्नल देते हैं, वो सिग्नल आते हैं CPU को। ये सबसे बड़ी वाली IC CPU होती है। इसको वो सिग्नल देते हैं और ये CPU उन सिग्नल के हिसाब से फिर गाड़ी में सिस्टम को ऑपरेट करता है। किस सिलेंडर पर इंजेक्टर कब सप्लाई देगा, कितनी सप्लाई देगा, कितनी फायरिंग करेगा, वो सब ये डिसाइड करता है उन सिग्नल को मेजर करके। जो इंजन टेम्परेचर सेंसर होता है, उसके सिग्नल इसको आते हैं, फिर ये डिसाइड करता है कि कितनी डिग्री पर मुझे इंजन को कूल करने के लिए रेडिएटर फैन को ऑन करना है। इस तरीके से ये सभी सिग्नल्स को लेता है और फिर ये उसी हिसाब से चीज़ों को ऑपरेट करता है। कितने प्रेशर से एयर अंदर जा रही है उसका सिग्नल, कितने टेम्परेचर से एयर अंदर जा रही है उसका सिग्नल, गाड़ी के इंजन का टेम्परेचर, फ्यूल का टेम्परेचर, केम की पोजीशन, क्रेंक की पोजीशन, वो सब सेंसर सिग्नल के हिसाब से इसको देते हैं। और ये जो IC है, ये हमारे सभी सेंसर्स को पॉजिटिव और निगेटिव सप्लाई देती है। जो भी सेंसर 5 वोल्ट पर चलते हैं या जिन सेंसरों में ग्राउंड की सप्लाई आती है, वो सब इस IC से आती है। बाकी हर चीज़ के लिए इसमें अलग अलग IC लगी हुई हैं। कोई एक्सीलेटर को ऑपरेट कराती है, कोई AC को ऑपरेट कराती है। ज़्यादातर ECM रिपेयर हो जाते हैं। नए ECM काफ़ी महंगे आते हैं, कुछ गाड़ियों के सस्ते आते हैं, लेकिन कुछ गाड़ियों के बहुत बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, 50,000, 60,000, 80,000। एक बार आप उनको चेक करा सकते हैं, हो सकता है आपका ECM बहुत कम पैसों में, बहुत कम खर्च में किसी अच्छे रिपेयर करने वाले के पास आसानी से रिपेयर हो जाए। रिपेयर करने वाले आपको हर शहर में मिल जाएंगे, तो चेंज करने से पहले एक बार आप उनको चेक करा सकते हैं। ECM के बारे में ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।